वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों की तादाद कहां पर पहुंची है, कुल मिलाकर देश में कितना मामला है, पिछले 24 घंटे में कितने नए मरीज सामने आए हैं, हालात क्या हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि राज्यवार कहां पर कितने मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले देश की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान में फिलहाल 5 लाख के पार पहुंच चुका है कुल मामला, यानी कि कोरोना केस 5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ठीक होने वालों की तादाद भी 2,95,000 के करीब है, यानी करीब करीब अगर देखा जाए तो 3 लाख के करीब ठीक होने वालों की तादाद भी है। वहीं मौतों का आंकड़ा जो डराने वाला है 15,000 से ज्यादा है। अब इसी तरीके से अगर हम पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो क्या हालात हैं पिछले 24 घंटे में, वो भी देख लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि राज्यों में क्या तस्वीर है। तो देश में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 18,552 नए मामले इसमें सामने आए हैं। ठीक होने वालों की तादाद भी 10,000 के पार है। मौत 384 हुई है। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसी तरीके से राज्यवार तरीके से भी देख लेते हैं कहां पर कुल कितने मामले बढ़े हैं, क्या है स्टेटस राज्य में। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र की बात करें तो 1,52,000 के करीब पहुंच चुका है आंकड़ा। खासतौर पर महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे ज्यादा यहां पर मामले सामने आए हैं। दिल्ली में भी 77,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या हो चुकी है, लेकिन 47,000 के करीब ऐसे मरीज भी हैं जो ठीक हो रहे हैं। दिल्ली के बाद नंबर आता है गुजरात का, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में 30,000 के करीब पहुंच चुका है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। तो ये तस्वीर है राज्यवार भी, और देश में किस तरीके से कोरोना के केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसे आंकड़ों के नजरिए से हमने आपको दिखाया, लेकिन 19 मई तक कोरोना के 1 लाख केस है, 3 जून तक 2 लाख केस, और 24 दिन के अंदर ही केस 2 लाख से 5 लाख तक पहुंच गए, यानी कि एक महीने में 3 लाख केस। और इस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़े तो इस महामारी से लड़ाई और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और दिल्ली में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है, आए दिन नए केसेस सामने आते जा रहे हैं। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली की अगर फिगर देखी जाए तो दिल्ली में 77,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। ठीक होने वालों की तादाद भी हालांकि 47,000 के पार है। हर दिन 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और एक दिन में दिल्ली में 3400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 63 लोगों की मौत हुई है। अस्पतालों में 13,500 बेड इस टाइम अपने तैयार हैं, उसमें से 7,500 बेड खाली हैं और केवल 6,000 बेड पे पेशेंट हैं, और ये 6,000 बेड पिछले एक हफ्ते से लगातार कांस्टेंट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद हो सकता है आईसीयू के बेड की जरूरत पड़े। अब हमें लोगों की जान बचाने के लिए हो सकता है आईसीयू के बेड बढ़ाने पड़े। जब हम 5 से 6 हज़ार टेस्ट रोज कर रहे थे तो 2 से 2,500 केस पॉजिटिव आते थे, अब जब 18,000 केस रोज कर रहे हैं तो अब 3 से 3,500 केस इतने ही बढ़े। हमने टेस्ट 3 गुने कर दिए, लेकिन पॉजिटिव केस 2 से 3,000, पहले 2,000 आते थे, अब 3,000 आने लगे, 3,500 आने लगे। तो जाहिर तौर पे मान लीजिए कल हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख टेस्ट करेंगे तो केसेस थोड़े से ज्यादा आएंगे। टेस्ट ज्यादा होंगे तो केसेस ज्यादा आएंगे, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कल कही थी। तो दिल्ली में भले ही कोरोना की रफ्तार बढ़ रही हो, लेकिन इस वजह से दिल्ली की रफ्तार थमी नहीं है। दिल्ली कोरोना के साथ दौड़ रही है, और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, दिल्ली की 3 तस्वीरें हैं। दिल्ली की सब्जी मंडियों में काफी भीड़ देखी जा सकती है, लोग राजपथ पर मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। ओखला मंडी की तस्वीरें, आजादपुर मंडी की तस्वीरें और राजपथ की तस्वीरें, जहां पर रफ्तार थमी नहीं है, महामारी से लड़ने का तरीका जरूर लोगों ने निकाल लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का नया स्तर अब सामने आया है। शुक्रवार को 5,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में औसतन 3,500 नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की ये बढ़ती रफ्तार चिंता बढ़ाने वाली है। और इस बीच कल से महाराष्ट्र में सैलून भी खुल जाएंगे।
अब मुंबई के खास तौर पर बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर केस कितने हैं, अंदाजा लगाइए 72,000 के पार केस यहाँ पर हैं। महाराष्ट्र के कुल आंकड़े से अगर मुंबई को कंपेयर करेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि हालात कैसे हैं वहाँ पर। ठीक होने वालों की तादाद भी 43,000 के पार है। कि जो भी प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, जब संख्या बढ़ती है, आंकड़े बढ़ जाते हैं, तो वो प्रिपेयर्डनेस के हद तक मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी जो हमने प्रेजेंटेशन लिया जिसमें माननीय शरद पवार जी थे, डीसीएम अजीत दादा थे और सभी अधिकारी वर्ग था, सभी लोगों के साथ हुआ प्रोजेक्शन ऐसे कि जुलाई एंड तक जिस गति से जो संख्या बढ़ रही है उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए लगने वाले बेड्स है मुबलक है, यानी बहुत बड़े पैमाने पे है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बेड्स भी बड़े पैमाने पे है, ज़रूर अगस्त जुलाई एंड तक आईसीयू बेड्स भी बड़े पैमाने पे है, लेकिन अगर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो अगस्त में हमारे को कुछ आईसीयू बेड्स कम पड़ सकते, वेंटिलेटर्स कम पड़ सकते, तो उसकी तैयारी हम बिल्कुल अभी से कर रहे हैं। यही बात दिल्ली से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कही थी कि ज्यादा केसेस आ रहे हैं क्योंकि ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से और मुंबई से हमारे साथ विद्या इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सुशांत, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि क्योंकि ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं इसलिए केसेस ज्यादा रहे, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब हमें आईसीयू में बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, लोगों की जान बचानी है, तैयारी कैसी दिल्ली सरकार की? देखिए, लगातार दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए नवजोत, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मामला है वो 77,000 के पार पहुंच गए। पिछले 10 दिन की अगर बात की जाए तो 32,000 मामले दिल्ली के अंदर जो है वो दर्ज किए गए हैं कोरोना मरीजों के लिए, और लगातार जो अगर कहा जाए डे बाय डे 3400 मामले जो है वो कल दर्ज किए गए हैं। सरकार की तरफ से तैयारियां हैं, अस्पतालों में बेड सरकार मान रही है कि उनके पास 7,000 के आसपास बेड जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा राधा स्वामी सत्संग व्यास, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो सेंटर बनाया जा रहा है ताकि 10,000 के आसपास मरीजों को वहाँ पर जो है वो रखा जा सके। इसके अलावा तमाम बैंकेट हॉल्स और इसके अलावा फार्म हाउसेज के अंदर भी बेड की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है, ताकि अगर मरीजों की संख्या, क्योंकि सरकार का आंकलन ये था कि जुलाई तक अगर कहा जाए तो ये मामले 5,00,000 तक पहुँच सकते हैं, और ऐसे में सरकार की तरफ से तैयारियाँ ये हैं कि इन तमाम बैंकेट हॉल्स के अंदर, होटल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स को होटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है ताकि मरीजों को होटल्स के अंदर भी जो है वो शिफ्ट किया जाए। लगातार दिल्ली के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि लोग अब धीरे धीरे अगर कहा जाए तो सड़कों पर नज़र भी आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करते हुए नज़र आते हैं, सब्जी मंडियों में सब्जियां लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों में डर भी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर कहा जाए जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही थी कि कोरोना के साथ नजर बनाए रखिए। विद्या, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी हम सुन रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री का भी यही कहना था कि वहां भी जो दिक्कत है क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आईसीयू में बेड्स की और सबसे ज्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल नवजोत, कुछ समय पहले हमने देखा था, ज़्यादा दूर नहीं, 2 या 3 हफ्ते पहले ही, जब हालात इतने बुरे थे कि आईसीयू में सिर्फ एक बेड अवेलेबल है या फिर वेंटिलेटर 1 या 2 अवेलेबल हैं, तो इस वजह से आईसीयू और वेंटिलेटर्स पे खास ध्यान देने की ज़रूरत थी और यही सरकार ने की। कई सारे निजी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स और आईसीयू बंद पड़े हुए थे उन्हें ठीक कराया गया और उन्हें लिया गया इस कोविड के इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा और सारे कई सारे ऑक्सीजनेटेड बेड्स की इंतज़ाम किए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी शख्स को आईसीयू या वेंटिलेटर नहीं मिलता है तो भी उस शख्स को उसके बचाने की उम्मीद बढ़ सकती है अगर उसे ऑक्सीजन दिया जाए। तो यही वजह है कि ऑक्सीजनेटेड बेड्स की संख्या भी लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मानसून के आते ही जाहिर सी बात है सरकार को भी ये बात पता है कि अब ये आंकड़े और बढ़ेंगे, मानसून में वायरल स्प्रेड ज्यादा होता है और यही वजह है कि ये अभी भी जोर शोर से तैयारियां बढ़ रही हैं, हालांकि आंकड़े लगातार मुंबई के कम हो रहे हैं। बिल्कुल, नजरा बना रखिए दोनों, शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। सियासत भी लगातार बढ़ रही है, वो आपको दिखाते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लिखा है कि देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, प्रधानमंत्री चुप हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, महामारी से लड़ने से इनकार कर दिया है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना से कब निजात मिलेगी ये पता नहीं। एक ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग दूसरों की पूरी तरह मदद नहीं कर पा रहे, इस दौरान शायद
शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कोई परेशानी न हुई हो। हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आगे भी हमें नहीं पता किस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। कोरोना के ग्राफ की ही तरह पेट्रोल डीजल के दाम का भी ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। 21 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल और महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 21 पैसे बढ़ गया है। दोनों की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल 21 दिन में 9 रुपए से ज्यादा बढ़ा है, वहीं डीजल 11 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। फर्क ये तो देखो, आम आदमी को भी फर्क पड़ना है, वैसे तो किसी को फर्क पड़ना नहीं है, जो रेगुलर है उनको तो कोई फर्क पड़ना है। जैसे वर्किंग वाले हैं, जो हार्ड वर्किंग वाले हैं, इन सबको दिक्कत है। बाइक वाले हो गए, इन सबको दिक्कत है। जो 2 पैसे कमाना चाहते हैं गाड़ी से, उनको दिक्कत है। अभी इसी की वजह से सब कुछ बढ़ेगा, सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी, सब कुछ इसी से बढ़ रहा है। गरीब आदमी तो मरी रहा है, मगर कर क्या सकता है इसमें। क्या कहना है, सरकार सही कर रही है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्या करे, अपने पास से देगा क्या? सरकार ठीक है, सरकार बहुत बढ़िया है, मोदी सरकार जैसा सरकार कोई है ही नहीं। और महंगाइयों को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार इनका मतलब मुद्दों को लेकर चल रही है, तो मुद्दे तो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट के जो नीतियाँ हैं उनके अनुसार तो देशवासियों को चलना ही होगा, और सभी को जानकारी है कि जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती, ये मार्केट रेट पे चलती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जरा प्राइम मिनिस्टर है, KCR है, CM तेलंगाना का, जरा आप लोग सोच समझ के करिए साहब, जरा गरीब लोग हम लोग का कैसा जीना, गाड़ी निकालने को मुश्किल हो रहा हमारे को, तो बाहर फिरना बहुत प्रॉब्लम हो रहा साहब हमारे को तो। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।